5 में हम देख चुके हैं जिंगशिन ने मिस्टर फू को वाइन सेलर के अंदर लॉक कर लिया था, ये बोलकर कि अगर वो एग्रीमेंट पे साइन नहीं करेगा तो उसे बाहर नहीं जाने देगी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम देखते हैं मिस्टर फू फाइल पे साइन कर देता है और गेट खोलने को कहता है, तो वो फाइल लेकर गेट के पास जाती है और आवाज लगाकर जियान को गेट खोलने को कहती है। जियान गेट खोलता है तो जियांशु से साइन वाली फाइल दे देती है। मिस्टर फू कहता है, अरे मैं तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि अगर मुझे कोई धमकाकर साइन करवाएगा तो ये कानूनी गलत है, और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। जियान गुस्से से अंदर जाने वाला था, बट जियांशु से बाहर को धक्का मार के गेट लॉक कर देती है, और मिस्टर फू से रिकॉर्डिंग मांगने लगी थी बट वो नहीं देता, तो कहती है ठीक है तो हम दोनों यही बंद रहेंगे, देखते हैं कौन ज्यादा टाइम ठंड सहन कर पाएगा। मिस्टर फू उसके क्लोज होता है तो वो ब्लैंकेट अच्छे से ढक लेती है। बेचारा जियान तो बाहर ही चेयर डाल के बैठ जाता है, क्योंकि उसे क्या पता कि कब गेट खोलने का ऑर्डर मिल जाए, और वो ईयरफोन लगा के लवली एक्सप्लेन की वीडियो देखने लगा था। तभी वहाँ एक्शन आ जाती है। मिस्टर फू इधर उधर घूम रहा था बट उसके पैरों से एक बॉटल टूट के बिखर जाती है। जियांशी कहती है, मेरी पेंटिंग, और भागती है। वो बॉटल के ऊपर गिरने वाली थी तो मिस्टर फू उसे पकड़ के बचा लेता है, बट उसका खुद का हाथ टूटी हुई बॉटल पे रखा गया था जिससे उसके ब्लड निकलने लगा था। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ठीक हूँ? मेरा हाथ कुछ दिन पहले तो रिकवर हुआ था। जियांशी भाग कर जा जियान को गेट खोलने के लिए आवाज़ लगाती है, बट जियान तो गेट ही नहीं खोलता। इनफैक्ट जियान तो वहाँ था ही नहीं, क्योंकि वो तो एंगसिन को उसका ध्यान भटकाने के लिए बाहर ले गया था। वो पूछती है, क्या मिस्टर फू वाइन सेलर के अंदर है? वो मना करता है। वो पूछती है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? वो कहता है, यहाँ पे अच्छे नेटवर्क आते हैं ना, तो मैं यूट्यूब पे लवली एक्सप्लेन की वीडियो देख रहा था। अब जियान ने तो गेट खोला नहीं था, तो वो समझ जाती है कि वो जरूर कहीं बिजी होगा, तो कहती है, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। पर पट्टी के लिए उसे कुछ मिल नहीं रहा था तो उसकी नजर मिस्टर फू के टाई पर जाती है। फिर वो उसी के टाई से मिस्टर फू के हाथ में पट्टी बांध देती है, तो मिस्टर फू उसे देखने लगा था। जिंक्सिया कहती है, तब तक इसी से काम चला लो, और सोचती है, मैं इसे धमकाकर तो नहीं मना सकती, तो क्यों ना इसके क्लोज होकर इसे मनाने का ट्राई करूं, मुझे होटल के लिए करना ही पड़ेगा। और फिर अपना ब्लैंकेट मिस्टर फू को उड़ा देती है और आधा खुद भी उड़ लेती है। मिस्टर फू पहले तो उसे देखता है बट फिर इधर उधर देखने लगा था, और एक बॉटल उठाकर कहता है, क्या ये पेंटिंग तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है? जिंसे कहती है, हाँ, और फिर एक बॉटल दिखा के कहती है, ये होटल के पहले हेड हैं, बहुत लॉयल और टाइम के पक्के हैं, और ये है चबी मैन। और फिर एक एक कर बॉटल पे बने सब लोगों के बारे में बताती है, जो सब होटल के स्टाफ हैं, और दो बॉटल्स दिखा के कहती है, इन दोनों को तो तुम जानते हो, मेरे अंकल और जियान, और ये हूँ मैं। वो उस बॉटल को देखने लगा था। वो कहती है, ये सब लोग मेरी फैमिली हैं। वो कहता है, फैमिली? पर मुझे तो नहीं लगता तुम उस होटल को अपना घर मानती हो, नहीं तो तुम अपने शेयर्स क्यों बेचती? वो कहती है, मैंने अपने शेयर्स इसलिए बेचे ताकि कोई मुझसे भी ज़्यादा बेटर तरीके से होटल को चला सके, ना कि होटल को तुड़वाए। फिर वो एक खाली बॉटल लेके उस पर मिस्टर फू की ड्राइंग करती है जब वो सो रहा था, और उसे कहती है, देखो तुम बिल्कुल ऐसे दिखते हो। मिस्टर फू बस लाइक, क्या मैं इतना अगली दिखता हूँ? वो कहती है, हाँ ऐसे खड़ूस, अगर तुम भी अच्छे से होटल को चलाओगे तो तुम भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मिस्टर फू को डैड की बात याद आ रही थी कि अगर मिस्टर फू होटल की लैंड पे बिल्डिंग नहीं बनवा पाया तो डैड उसे फैमिली से बाहर कर देंगे। वो कहता है कि किसी की फैमिली बनना इतना आसान है? वो कहती है, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? फिलहाल तुम भी होटल के इम्पोर्टेंट इंसान हो, भले टाइमिंग थोड़ी गलत है। वो चबड़ चबड़ किए जा रही थी इसलिए मिस्टर फू से चुप होकर बैठने कहता है। वो कहती है, तुम प्लीज होटल को मत तुड़वाओ, नहीं करना तो मत करो। मिस्टर फू अपना पेंटिंग वाला बॉटल वहीं रख के कहता है, मैं इस बारे में सोचूंगा। वो कहती है, सच में तुम होटल को नहीं तुड़वाओगे? वो कहता है, मैंने कहा मैं सोचूंगा, पूरी तरह से हाँ नहीं किया। और उसे दूर कर कहता है, और हाँ मेरे ज्यादा करीब मत आओ। वो कहती है, क्यों? कि तुम्हारी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है? तो मिस्टर फू उसकी आंखों में देखने लगा था
दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। इससे पहले कुछ होता जियान और एक्सिन वहाँ आ जाते हैं। एक्सिन पूछती है, मिस्टर फू आप ठीक तो हो? जियान कहता है, जिंगशिया तुम जिस आइडिया की बात कर रही थी, क्या वो मिस्टर फू को अपने चार्म से सिड्यूस करना था? एक्सिन मिस्टर फू की चोट पे पट्टी करती है और बताती है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली, रिसर्चर्स को होटल के पीछे वाले जंगलों में रेयर प्लांट्स मिले हैं, तो क्या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? मिस्टर फू कहता है, नहीं, हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा ताकि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो कहती है, मुझे लगा था आपके साथ जो वाइन सेलर में हुआ उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन का काम रुकवा दोगे। मिस्टर फू कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी पिघल जाऊंगा? एक्सिन मिस्टर फू को बिल्डिंग का मैप दिखाती है तो वो कहता है, अगर हम इसमें किसी होटल को भी शामिल कर दें तो बिल्डिंग में कुछ इफेक्ट तो नहीं होगा? वो कहती है, अगर आप जिंगशिया के होटल की बात कर रहे हो तो शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या आप ये सब जिंगशिया की वजह से कर रहे हैं? बट वो कुछ नहीं बोलता तो वो सॉरी बोलकर चली जाती है। एक्सिन को किसी का फोन आता है, वो थोड़ा डरी हुई लग रही थी। रात में उसे सपना दिखाई देता है जिसमें कोई बोल रहा था कि मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया तो अब से तुम्हें मुझे पे बैक करना होगा, चाहे मैं तुम्हें किसी का भी मर्डर करने के लिए ही क्यों ना कहूँ। एक्सिन डर के मारे उठ जाती है और डॉक्टर को फोन करके कहती है कि आपने जो मेडिसिन दी थी वो काम नहीं कर रही, तो प्लीज कल मुझे कोई और नींद की मेडिसिन दे देना। इनफैक्ट उसे इंसोम्निया है। मॉर्निंग में जिंगशिया को अंकल का फोन आता है जो कहते हैं, तुम अभी तक होटल क्यों नहीं आई? वो कहती है, क्योंकि मुझे लगा आज हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। अंकल कहते हैं, हाँ वो तो ठीक है, पर इससे मिस्टर फू को होटल तोड़वाने का मौका मिल जाएगा। वो कहती है, क्या? उसने तो कहा था कि वो होटल के बारे में सोचेगा। और जल्दी से अंकल का फोन काट कर मिस्टर फू को कॉल करती है, बट उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। देन जिंगशिया वाज लाइक, मिस्टर फू तेरी तो खैर नहीं, और भाग के होटल आती है। तो अंकल बताते हैं कि डोंट वरी होटल अब सेफ है, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो अंकल उसे होटल के पीछे वाले जंगलों में लेके आते हैं। जियान उसे बताता है कि कंजर्वेटिव एक्सपर्ट्स को यहाँ पे रेयर प्लांट्स मिले हैं जिसे उन्होंने वाइल्ड प्लांट कंजर्वेशन लिस्ट में ऐड कर दिया, यानी अब हमारा होटल सेफ है। वो कहती है, तो मिस्टर फू होटल को नहीं तोड़वा पाएगा? तुम तो बड़े स्मार्ट निकले जियान। जियान कहता है, हाँ ये मैंने नहीं किया, किसी और ने एक्सपर्ट को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, तभी एक्सपर्ट यहाँ चेकिंग करने आए। वो कहती है, सही है, किसी ने तो मिस्टर फू को सबक सिखाया, मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया, मैंने तो इस खड़ूस से भीख तक ही मांग ली थी। मिस्टर फू उसके पास आता है तो कहती है, अरे तुम तो बड़े फेमस हो गए कि एक्सपर्ट्स तुम्हें मिलने आ रहे हैं। वो पूछता है, तुमने इन्हें बुलाया है? वो कहती है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कभी ना फेल होने वाला मिस्टर फू अपने प्लान में फेल हो गया। तो मिस्टर फू गुस्से से वहाँ से चला जाता है और वो बाय कर रही थी। अंकल यो मिस्टर फू से बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बात पूछना चाहते थे, बट मिस्टर फू को तो उन पे शक था इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। फिर अंकल यो एक्सिन को मिस्टर फू पे नजर रखने कहते हैं ताकि वो उन्हें मिस्टर फू के हर प्लान के बारे में पहले बताती रहे, और एक्सिन भी हाँ कर देती है, बट उसे देखकर लग रहा था कि उसे ये सब ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा था। मिस्टर फू एक्सिन को कॉल करता है और बताता है कि मैं कुछ दिन होटल में ही रहूंगा ताकि नया प्लान सोच सकूं, और अंकल यो ये सब सुन रहे थे। मिस्टर फू को परेशान देख साइकेट्रिस्ट रीजन पूछता है तो वो कहता है, लिन की हरकतें बढ़ती जा रही हैं और उसी की वजह से मेरा बिल्डिंग प्रोजेक्ट वाला प्लान कैंसिल हो गया। इनफैक्ट मिस्टर फू के फोन पे कंजर्वेटिव एक्सपर्ट्स के मैसेज आए हुए थे जिससे वो समझ आता है कि लिन ने ही एक्सपर्ट्स को रेयर प्लांट्स के बारे में बताया होगा। जिंगसे मिस्टर फू से कहती है, जब तुम्हारा होटल तोड़ने का प्लान कैंसिल हो गया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने ऑलरेडी प्लान स्टॉप कर दिया तो तुम्हें मुझ पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे विश्वास कर लूंगी? फू फैमिली का बिल्डिंग प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम इस पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले, जरूर कोई नया प्लान बनाने की सोच रहे होगे। बट मिस्टर फू गेट बंद करने लगता है तो वो कहती है, मैं तुम पे नजर रख रही हूँ तो कुछ करने की भी मत सोच लेना, बट वो तो गेट बंद कर देता है। होटल के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी और वो सबके सब युक्सी का नाम चिल्ला रहे थे। जिंगशिया के पूछने पे जियान बताता है कि ये सब लोग युक्सी के फैन हैं, युक्सी बहुत फेमस आइडल है और वो हमारे होटल में रुका हुआ है इसलिए ये सब फैंस यहाँ हैं। वो कहती है, हाँ याद आया, ये युक्सी ही उस ब्रांड का एम्बेसडर है जिसके पर्स मुझे बहुत पसंद है। तभी अंकल आकर बताते हैं कि वही आइडल युक्सी, उसने नाक में दम कर रखा है, इतने सारे रूम चेंज करती है,
बट उसे तो कोई रूम पसंद ही नहीं आ रहा। लगता है ये हमारे होटल में नहीं रुकेगा। जियान कहता है, मैंने सुना है एक बार युक्सी ने किसी रेस्टोरेंट की पोस्ट कर दी थी कि उसे वहाँ का खाना पसंद नहीं आया। फिर तो उसके सारे फैंस ने उस रेस्टोरेंट पे बैड कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया था। जिंसी कहती है, हमने बड़ी मुश्किल से तो होटल को मिस्टर फू से बचाया है, तो अब होटल के इंटरनेट पे रेपुटेशन खराब नहीं होने देंगे, वरना वो मिस्टर फू तो हमें बर्बाद करने का कोई चांस नहीं छोड़ेगा। युक्सी को स्पेशल रूम चाहिए ना, तो हमें उसे देना पड़ेगा। अंकल कहते हैं, हाँ पर उसकी एक और शर्त है कि वो चाहता है कि तुम उसे सर्व करो। जिंशिया युक्सी से मिलने चाहती है और युक्सी को बहुत सारे रूम सिखाती है, बट उसे कभी तो बाथटब का साइज पसंद नहीं आता और कभी टॉयलेट की बदबू बर्दाश्त नहीं होती और कभी सोफा पसंद नहीं। जिंशिया भी उससे परेशान हो गई थी और उसके लिए VIP रूम का अरेंजमेंट करने चाहती है। उसके जाते ही युक्सी की असिस्टेंट पूछती है, तुम उसे जानबूझ के इतना परेशान क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता जिंशिया की मॉम मेरे भाई से शादी करे। फिर हम पास्ट में देखते हैं युक्सी का बड़ा भाई उसे किसी लेडी से मिलवाता है जिससे वो शादी करने वाला था, और वो लेडी जिंशिया की मॉम है। इधर जिंशिया सोचती है, ये मिस्टर फू तो VIP रूम को छोड़ेगा ही नहीं, उल्टा इस मौके का फायदा उठाकर मुझे क्रिटिसाइज ही करेगा कि मैंने कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। बट वेट, मैं ये सब होटल के लिए कर रही हूँ और होटल का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते उसे भी थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और मिस्टर फू से कहती है, तुम कब से VIP रूम में रह रहे हो? हमारा एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, अब वो VIP रूम में रहना चाहता है, तो क्या तुम किसी और रूम में शिफ्ट हो सकते हो? मिस्टर फू एकदम से हाँ कर देता है। तो जिंशिया बिल्कुल हैरान थी और सोचती है, ये नाटक कर रहा है या इसने हार मान ली। और फिर युक्सी को VIP रूम दिखाने लाती है, तो युक्सी कपड़ा लेकर वहां रखी हर चीज पे फेरने लगता है और फिर उसे दिखाता है कि यहाँ कितनी धूल है। वो कहती है, मैं अभी किसी को सफाई करने भेजती हूँ। युक्सी कहता है, जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ तुम खुद से ये रूम की सफाई करो। जिंशिया हैरान, और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।